तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये वीडियो दिखेगा, ये है फ्रेंड्स आपके चैनल का सब्सक्राइब बटन। अगर आपके यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, आपके चैनल पे व्यूज़ हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस तरह का एक बटन अपने चैनल के नाम का बनाकर अपने वीडियोस में लगाएंगे, आपके सब्सक्राइबर यहाँ पे काफ़ी बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरे चैनल का लोगो, उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स आपको दिखेगा JMKTech मेरे चैनल का नाम, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन और बेल बटन। ये देखिए मैं प्ले करता हूँ, कुछ इस तरीके से यह आपको दिखेगा। आप अपने चैनल का ऐसा ही एक बटन बनाकर सब्सक्राइब वाला लगा सकते हैं अपने हर वीडियो में, जिससे आपके काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो में हम इसी सब्सक्राइब बटन को बनाएंगे, सिर्फ 2 या 3 मिनट में बना देंगे, जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे और सीखेंगे। फ्रेंड्स आप भी अपने वीडियो में कैसे लगाएंगे ये भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने काइन मास्टर को ओपन किया, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स 16.9 जो यूट्यूब वीडियो का साइज होता है उसको क्रिएट पर क्लिक करके ले लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काइन मास्टर ओपन होता है, उसके बाद यहाँ पे हमें बैकग्राउंड लेना पड़ता है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड ले लेंगे। देखिए यहाँ से एक बैकग्राउंड लेते हैं ब्लैक कलर का, और फ्रेंड्स यहाँ से करीब इसको 5-6 सेकंड तक बढ़ा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 सेकंड का इसको बढ़ा कर लिया है। आप भी एक बार अपने बैकग्राउंड पर ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से जितना चाहें आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक बड़ा कर लिया। अब फ्रेंड्स एक वीडियो लेके आनी है, तो मैंने यहाँ लेयर पे क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई है मीडिया, मीडिया पे क्लिक किया। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे उसी वीडियो को ले आता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है यूट्यूब से। देखिए इस वीडियो को मैं यहाँ ले आया, अब इसको प्ले करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ सब्सक्राइब बटन और बेल बटन है, यहाँ पर हमें अपना लोगो लगाना है और अपने चैनल का यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब बटन बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना हमारा वीडियो है, तो हमें इसे राइट साइड से ट्रिम कर देंगे। ये देखिए राइट साइड से हमने बैकग्राउंड को भी ट्रिम कर देना है और फ्रेंड्स इसको भी हमने ट्रिम कर देना है। अब देखें इसे प्ले करके, देखिए ये आ रहा है और फ्रेंड्स यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए वापस भी चला जा रहा है। तो ऐसा ही एक बटन आपको डाउनलोड कर लेना है यूट्यूब से, मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड होगा। तो फ्रेंड्स अभी आपको करना है अपने बैकग्राउंड पे क्लिक और यहाँ दिखेगा कलर, कलर पे क्लिक और यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये वाला ग्रीन ले लेना है। ग्रीन लेने के बाद फ्रेंड्स इसे प्ले करना है। अब देखिए ये प्ले हुआ, उसके बाद अपने वीडियो पे क्लिक करना है, इसको नीचे ले आना है थोड़ा यहाँ पे। अब प्ले करके देखना है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए इतना ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स हमें इसको अभी बड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए इतना बड़ा कर लेते हैं इसको और फ्रेंड्स यहाँ पे ले आते हैं। देखिए जब ये नीचे से आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए, इतना ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सेट करेंगे और प्ले करके देखेंगे, देखिए ठीक है यहाँ पे, और उसके बाद ये प्ले हो जाएगा और यहाँ से चला भी जाएगा, देखिए चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहाँ पे सेट हो गया है, तो फ्रेंड्स अपने वीडियो पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स इसके क्रोमा की को यहाँ से ऑन कर देंगे ताकि इसका बैकग्राउंड यहाँ से हट जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा सेट कर देंगे फ्रेंड्स और यहाँ से बैक करेंगे। अब वीडियो को प्ले करेंगे यहाँ पे और देखिए हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड चला गया है, जो हमने बैकग्राउंड लिया था उसी कलर का हो गया है और जो इस वीडियो का बैकग्राउंड था वो यहाँ से चला गया है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करके हमें मीडिया पे जाना है, अपना यहाँ से फ्रेंड्स हमें एक लोगो ले लेना है, जो लोगो हमारा यूट्यूब वाला है उसको। तो फ्रेंड्स मैं अपना लोगो देखिए यहाँ पर ले आया हूँ, मैंने इसका बैकग्राउंड नहीं हटाया फ्रेंड्स। आप जब भी लोगो लाएं तो अपने बैकग्राउंड हटा लें यहाँ पे। तो मैं इसे ऐसे ही यहाँ से क्रॉप कर दूंगा, देख यहाँ पे देखिए क्रॉप पे क्लिक किया यहाँ पे, और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं इसको गोल वाला यहाँ पे, और इसको देखिए मैंने क्रॉप कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो लोगो है इस पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें देख लेना है हमारा ये जो बेल आइकन जो ऊपर आ रहा है यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे फ्रेंड्स और अपने लोगो को थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने अपने लोगो को यहाँ सेट कर दिया, और अब प्ले करके देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए लोगो आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अपने लोगो पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर मिलेगा इन एनिमेशन, यहाँ पर क्लिक करना है
और फ्रेंड्स स्लाइड टू अप कर देना है। अब देखिए हमारा लोगो भी इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आएगा, लेकिन फ्रेंड्स हमारा लोगो यहाँ पे धीरे से आ रहा है, तो अपने लोगो की यहाँ स्पीड को बढ़ा देंगे, इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे जिससे ये जल्दी से यहाँ पे आ जाए। अब प्ले करके देखेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स अब भी थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो फ्रेंड्स अपने लोगो को पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो इसको फ्रेंड्स थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा के देखते हैं। इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ पे फुल कर देंगे इसकी स्पीड को और अब देखते हैं फ्रेंड्स अब थोड़ा सही लग रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स अपने जहाँ तक लास्ट है फ्रेंड्स वीडियो का, वहाँ तक इसको ले आएंगे, जो हमारा बैकग्राउंड था उस तक यहाँ पे ले आएंगे। और देखिए हमारा अब वीडियो प्ले करके देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स अपने चैनल का आपको नाम देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएगा टैक्स, टैक्स पे एक बार क्लिक करेंगे और जो भी आपके चैनल का नाम है वो यहाँ पे दे देंगे। तो मैं यहाँ पे जैम का टैग लिख देता हूँ और ये आ गया जैम का टैग, और यहाँ से इसको बड़ा करेंगे फ्रेंड्स, इसके फॉन्ट को यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो यहाँ से ले लें फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसको प्ले करके, तो फ्रेंड्स देखिए ये ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टैक्स यहाँ पे है, इसको भी फ्रेंड्स यहाँ तक कर लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा टैक्स थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा टैक्स और जैम का टैग सब्सक्राइब बटन यहाँ पे तैयार हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी जो स्पीड में गड़बड़ी हो रही है, ये देखिए यहाँ पे हमें स्पीड को इसकी ठीक करना है। तो फ्रेंड्स अपने इन एनिमेशन पे एक बार टैक्स को भी क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है, स्लाइड अप कर देना है, इसकी भी स्पीड हमें यहाँ लास्ट तक ले आनी है, फुल कर देनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये अब गायब हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से जब गायब होगा तो हमारा लोगो यहाँ पे रह जा रहा है। तो अपने लोगो पे एक बार क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन कर देंगे, तो ये स्लाइड डाउन है और इसे लास्ट में ले आएंगे फ्रेंड्स, फुल स्पीड कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी फ्रेंड्स जो टैक्स है इसको भी आउट एनिमेशन देंगे, स्लाइड डाउन स्पीड फुल कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये देखिए और यहाँ से फ्रेंड्स ये देखिए बेल बजी, यहाँ पे बेल ऑल पे क्लिक किया, अब देखिए ये दोनों गायब हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा देर लग रही है इसे गायब होने में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अपने लोगो पे थोड़ा क्लिक करना है, थोड़ा छोटा कर देना है और फ्रेंड्स इसको भी थोड़ा छोटा कर देना है और फ्रेंड्स अब प्ले करके देखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये गया और ये आया फ्रेंड्स हमारा लोगो, यहाँ पे बेल बटन आ गया है और ये देखिए ये देखिए। तो यहाँ पे ऐसे करके आप बेल बटन बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इतना करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है, इसको सेव कर लेंगे फ्रेंड्स, और सेव करने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी एक वीडियो में ले आता हूँ, तो न्यू प्रोजेक्ट पे वीडियो यूट्यूब वाला साइज, और यहाँ से फ्रेंड्स मैं यही वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ कि कार्टून वाला, ये देखिए ये पिक्चर है फ्रेंड्स, इसे समझिए आप वीडियो है ये। तो आप जब भी वीडियो एडिट करते हैं तो फ्रेंड्स कोई भी वीडियो होगा उसे आप एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे अपने वीडियो को यहाँ पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे जाएंगे और उसी वाले वीडियो को यहाँ ले आएंगे। देखिए जो वेल बटन हमने बनाया था वो यहाँ पे आ गया है और फ्रेंड्स इस पर एक बार क्लिक करेंगे, अपने वेल बटन को जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर इसे अच्छे से सेट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए ये क्रोमा की मिल जाएगा, इसके क्रोमा की को ऑन करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे, बैक कर देंगे और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐसा एक वेल आइकन मिल जाएगा आपके हर वीडियो में अगर आप वीडियो बनाते हैं तो। और फ्रेंड्स इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप बार बार नहीं कह पा रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, तो इस बटन को यूज़ कीजिए, आपके 100% यहाँ पे सब्सक्राइब बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप इस सब्सक्राइब बटन को एडिट कीजिए, बहुत आसान था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने हर वीडियो में आपको ऐसे ही यूज़ करना है, देखिए हर वीडियो में यहाँ पे ऐसे ही यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स आपका ज़्यादा बड़ा वीडियो है तो इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका 4 मिनट का वीडियो है तो हर
एक मिनट बाद आप इस बटन को यहाँ पे ऐसे करके लगा सकते हैं। तो अपने 4 मिनट के वीडियो में कम से कम 3 बार वेल आइकन ज़रूर लगाएंगे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब वेल बटन को ज़रूर लगाएंगे, जिससे आपके 100% यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।